यहां मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत के लिए एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान अलग अलग जगह रोड शो कर रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पार्टी हेडक्वार्टर संभालने के साथ ही जनता के बीच जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल की नरेला विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की भी अपील की। देखिए खास रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया जनसंपर्क, नरेला विधायक विश्वास सारंग भी रहे उनके साथ। डोर टू डोर कैंपेनिंग का वीडी शर्मा ने पेश किया नजारा, भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में बनाया माहौल, एक बूथ पर जाकर सुनी पीएम मोदी के मन की बात। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने रविवार को पार्टी के महासंपर्क अभियान के अंतर्गत नरेला विधानसभा में जनसंपर्क किया। प्रदेश अध्यक्ष ने खुशीपुरा पहुंचकर हनुमान मंदिर में पूजन किया। इसके बाद मंत्री विश्वास सारंग के साथ ठाकुर आटा चक्की से खुशीपुरा चौराहे तक जनसंपर्क किया। इस दौरान महापौर प्रत्याशी श्रीमती मालती राय एवं जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी सहित पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके पश्चात प्रदेश अध्यक्ष ने वार्ड क्रमांक 37 के बूथ क्रमांक 124 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास की गंगा बहाई है। विकास का सिलसिला जारी रहे इसके लिए भाजपा प्रत्याशियों को अपना समर्थन दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो नेता बचे हैं और ना ही कार्यकर्ता। कहीं वह विधायकों को महापौर का टिकट दे रही हैं, तो कहीं पुराने चेहरों को दोबारा उतार रही है। आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन महत्वपूर्ण तथ्यों को देश के सामने रखा, उसमें 25 जून को कल का दिन जो निकला, उस दिन इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया था। पर आज की हमारी जो पीढ़ी है, उन सबके माँ परिवार, माँ पिताजी और ऐसे परिवार के लोगों को, हर नागरिक के अधिकार इस देश के अंदर छीन लिए गए थे। तो उस काले दिन को देश ने कल याद किया, माननीय प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख भी किया है, चाहे वो प्रेस होगा या देश के अंदर अपनी आवाज उठाने वाले लोग होंगे, उन सबकी आवाज को इस देश के अंदर बंद कर दिया गया था। एक महत्वपूर्ण पहलू माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात के अंदर कहा है कि स्टार्टअप्स के अंदर अब देश के अंदर नौजवान उड़ान भर रहे हैं, कि स्पेस टेक्नोलॉजी में जिस प्रकार से आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने वालों में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, महापौर प्रत्याशी मालती राय और वार्ड 37 की पार्षद प्रत्याशी श्रीमती वंदना कुशवाहा समेत जिले के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।